हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गोलू की सावजी रसोई। मार्केट से लाई हुई कचौरी सबको पसंद आती है, तो आज हम कचौरी के जैसे ही टेस्टी नाश्ता तैयार करने वाले हैं, जो कि बहुत जल्दी बन जाएगा और सबको बहुत पसंद भी आएगा। तो चलो बनाते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक कच्चा आलू और एक प्याज। ये आलू को मैं छील लेती हूँ और इसको छील कर मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती हूँ। आलू आप यहाँ पे किस के भी यूज कर सकते हो। मैं इसके बारीक बारीक टुकड़े कर लेती हूँ और इसे डाल दूंगी अभी मैं मिक्सी के जार में, क्योंकि हमें इसकी पेस्ट तैयार करनी है। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ वो प्याज जो हमने लिया था, वो भी मैंने काट के रख दिया है और वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। इसके साथ ही इसमें डालूंगी 4-5 हरी मिर्च, 5-6 लहसुन की कलियां और थोड़ा सा अदरक, और इसके साथ में डालूंगी 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच जीरा। अभी मैं इसको पीस लेती हूँ। ये देखो, ये मैंने पीस के ला लिया है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला हुआ है, आलू में ही पानी रहता है, इसलिए ये अच्छे से बारीक हो जाता है। अभी ये पीस के हो चुका है, इसको मैं अभी निकाल रही हूँ मिक्सिंग बाउल में। अभी हम इसमें डालते हैं और मसाले। तो इसमें डालूंगी पहले 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, और यहाँ पे मैंने ली हुई है 1 चम्मच कसूरी मेथी, जिसे मैं हाथ से क्रश करके इसमें डाल रही हूँ। इससे इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। उसी तरह से इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच अजवाइन, इसे भी मैं हाथ से क्रश करके डालूंगी। 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ आमचूर पाउडर, और इसमें अभी डालूंगी मैं स्वादानुसार नमक और 1 चम्मच तिल। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 बाउल सूजी। यहाँ पे मैंने बारीक सूजी यूज की हुई है, और बारीक ही सूजी यूज करनी है, और इसको अभी मैं ये पूरे मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अगर एक बार आप ये नाश्ता बनाओगे तो आप बाहर की कचौरी भी भूल जाओगे, इतना टेस्टी लगता है ये। ये देखो, ये पूरे सूजी में मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी मैं इसे ढककर 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ। 10 मिनट में ये सूजी अच्छे से इसमें मिक्स भी हो जाएगी और भीग भी जाएगी। तो अभी हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 बाउल गेहूं का आटा। ये पूरे गेहूं के आटे को इसमें हमें मिक्स कर देना है। यहाँ पे मैंने 1 बाउल गेहूं का आटा यूज किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा पतला हो गया है, तो आप इसमें और थोड़ा सा गेहूं का आटा यूज कर सकते हो। इसीलिए मैंने सूजी को पहले भीगने दिया 10 मिनट, उसके बाद ही इसमें गेहूं का आटा डाला हुआ है, ताकि इसका एक परफेक्ट ऐसे डो तैयार हो जाए और सूजी भी अच्छे से भीग जाए। तो इसको अभी हाथ से मैं मल लेती हूँ और इसका एक पूड़ी के जैसे एक डो तैयार कर लेती हूँ। ये देखो, यहाँ पे ये डो तैयार हो चुका है, एकदम परफेक्ट ऐसे डो तैयार हो चुका है। इसमें अभी मैं थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ, 1 चम्मच तेल। इसको थोड़ा सा ऊपर से लगा कर इसको मल लेती हूँ थोड़ा सा, और फिर इसको मैं 5 मिनट ऐसे ही रहने देती हूँ, ताकि गेहूं का आटा भी अच्छे से इसमें भीग जाए। अभी 5 मिनट हो चुके हैं और ये अभी आटा एकदम तैयार हो चुका है। अभी मैं इसमें से एक नींबू के आकार का डो हाथ में ले लेती हूँ, जितना हमें पूड़ी के लिए चाहिए उतना डो हाथ में तेल लगा कर लेकर इसका एक बॉल तैयार कर लेती हूँ, और फिर इसको मैं बेल लूँगी। तो यहाँ पे बेलने के लिए मैं आटा नहीं यूज करने वाली हूँ, थोड़ा सा तेल लगा कर ही इसको बेलूंगी। ये देखो, इसको ऐसे ही धीरे धीरे बेलना है, और इसको एकदम पतला नहीं बेलना है।
थोड़ा जाड़ा ही रखना है, तभी वो पूरी टेस्टी लगती है। ऐसे ही इसको हम धीरे धीरे बेल लेंगे। ये देखो यहाँ पे मेरी ये पूरी बेल के हो चुकी है, और ऐसे ही मैं बाकी के आटे के भी पूरी बेल के तैयार कर देती हूँ। अभी हमें इसे तलना है, तो उसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था, और तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तब हम ये पूरी इसमें डाल देंगे, और उसको डालने के बाद ये ऊपर से चम्मच से इस पे तेल डालेंगे ताकि ये ऊपर से भी जल्दी से पक जाए, और इसको हम मीडियम आंच पे पकाएंगे तो ये अच्छे से पक जाएगी। ये पूरी को हमें दोनों तरफ से अच्छे से पकने देना है, तभी इसकी टेस्ट अच्छी आएगी। ये देखो ये दोनों तरफ से ये पूरी मस्त पक चुकी है, और इसका कलर भी अभी चेंज हो चुका है। तो अभी मैं ये पूरी को निकाल लेती हूँ, देखो कितनी मस्त दिख रही है, निकाल लेती हूँ। और अभी बाकी की जो बची हुई पूड़ियाँ है वो भी मैं इसमें तल लेती हूँ। तो ये बन गई हमारी आलू और प्याज की पूरी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। कचौड़ी से भी इसकी टेस्ट बहुत ही मस्त लगती है, और उसके साथ खाने के लिए मैंने यहाँ पे एक चटनी बनाई हुई है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। वैसे तो ये पूरी ऐसे भी खाई तो भी टेस्टी लगती है, लेकिन ये चटनी के साथ और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। देखो कितनी मस्त फूल चुकी है, और अंदर से भी इतनी मस्त पक चुकी है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी इस तरीके की पूरी और चटनी एक बार जरूर ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू।